दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज सावन का तीसरा दिन है। 24 जुलाई के दिन मैं हर की पैड़ी के पास पहुंच चुका हूं और कुछ ही देर में हर की पैड़ी तक पहुंच जाऊंगा और वहां से आप सभी को अच्छे से दर्शन कराऊंगा। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। मैं आपको आराम से हर की पैड़ी के आसपास के जो घाट हैं, हर की पैड़ी के जो मेन घाट हैं, सभी जगह के दर्शन कराऊंगा और कांवड़ यात्रा के सुंदर नज़ारे दिखाएंगे। कितने कांवड़िए आ रहे हैं ये हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। मौसम कैसा है ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार की वीडियो देखना चाहते हैं, ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सामने देख सकते हैं मनसा माता का मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत सुंदर मंदिर है। मनसा देवी मंदिर के आसपास के जो पहाड़ हैं बारिश के समय में हरे भरे हो जाते हैं, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अभी जो हूँ मैं सामने जो घाट आपको दिख रहा है ये कुसा घाट है और ये वाला जो पुल आपको नज़र आ रहा है ये पुल गऊ घाट पुल है। तो अभी हम आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ से हर की पैड़ी पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा, तो बीच में भी जो कांवड़िए हमें नज़र आएंगे, जो अच्छी अच्छी कांवड़ नज़र आएगी वो हम आपको दिखाते हुए आगे की ओर ले चलेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करना सभी लोग। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें ताकि आपके साथ और भी लोग हरिद्वार कांवड़ यात्रा के सुंदर दृश्य देख सकें। ये हर की पैड़ी से काफ़ी दूर घाट पड़ते हैं और यहाँ पर ये हाल है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हर की पैड़ी के घाटों में तो आज जगह भी नहीं होगी। जैसे जैसे शिवरात्रि नज़दीक आती जाएगी कांवड़ियों की संख्या जो है ऐसे ही बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको। अभी मैं गऊ घाट पुल पर आ चुका हूँ। ये गऊ घाट पुल है और इसे हाथी वाला पुल भी कहते हैं। इस पुल को अगर सही से देखेंगे तो नीचे बेस में कुछ हाथी बने हैं, इसी वजह से इस पुल को हाथी वाला पुल भी कहते हैं। और यहाँ भी बहुत सारे कांवड़िए जो है गंगा जल भर कर प्रस्थान कर रहे हैं। अब मैं चलता हूँ शिव घाट की ओर। ये जो घाट है ये शिव गऊ घाट है और इससे आगे बढ़ेंगे तो शिव घाट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं गऊ घाट के पास के दर्शन कर सकते हैं। ज़्यादातर कांवड़िए जो है गंगा जल भर कर अपनी कांवड़ तैयार कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से यात्रा की शुरुआत करेंगे। दर्शन करते जाइए, एक से बढ़कर एक कांवड़ के दर्शन करें। सभी लोग हर हर महादेव लिखेंगे। सावन के शुभ दिन चल रहे हैं। कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान महादेव और माता पार्वती जी भूलोक पे आती हैं और इसीलिए सावन का जो महीना है भोलेनाथ को बहुत पसंद है और भोलेनाथ सावन के महीने में बहुत जल्द प्रसन्न भी होते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम शिव घाट तक पहुंच जाएंगे और फिर शिव घाट के दर्शन करेंगे। फिलहाल ये हाल है कि सभी घाट, वो हर की पैड़ी के हों या हर की पैड़ी के दूर के घाट हों, सभी घाटों में अच्छे खासे श्रद्धालु आपको नज़र आ रहे हैं। और हर की पैड़ी में तो आज मुझे ऐसा लग रहा है पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, पूरा पैक होगा हर की पैड़ी। मौसम की बात की जाए तो मौसम जो है इस समय बादल छाए हुए हैं और थोड़ी देर में बारिश के चांसेस लग रहे हैं। थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही थी, बारिश शुरू हुई थी, लेकिन अभी जो है फिलहाल बारिश रुकी हुई है। पूरी तरह से काले बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं निकली है, ये अच्छी बात है। गरम
घाट की सफाई चल रही है। देखें यहाँ से शिव घाट शुरू हो जाता है। ये देखिए बोर्ड लगा है, शिव जी का मंदिर भी है और यहाँ से शिव घाट शुरू हो जाता है। जल्दी से आपको हर की पैड़ी की ओर ले चलते हैं और अच्छे से दर्शन कराएंगे। सभी लोग जय गंगे माता हर हर महादेव लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। देखिए कांवड़ में गंगा जल भरा जा रहा है। कांवड़ को पहले बांध कर तैयार करते हैं, उसके बाद गंगा जी से स्नान करते हैं, उसके बाद जल भरते हैं। आज गंगा जल का बहाव भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। नॉर्मल है जल आज, ना कम है ना ज़्यादा है, लेकिन रेत की मात्रा आ रही है और आगे भी आती रहेगी क्योंकि बरसात का समय चल रहा है, बरसात का सीज़न है तो बारिश होती है पहाड़ों में भी और मैदानों में भी, तो फिर जल में रेत की मात्रा स्वाभाविक है ज़्यादा ही आती है। सामने जो पुल नज़र आ रहा है यही है शिव पुल, और शिव पुल में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर हर की पैड़ी के मुख्य घाट आ जाएंगे। अब करते हैं शिव पुल में एंट्री। सबसे खास पुल है, सबसे ज़्यादा जो कांवड़िए हैं इसी पुल से गंगा जल भरकर आगे प्रस्थान करते हैं। ये वाला जो पुल है हाईवे की तरफ आता है। देखिए भोले की मस्ती में आइए, बड़ी धारा दिखाते हैं आपको। बड़ी धारा के अच्छे से दर्शन कर लीजिए और हर की पैड़ी में बहुत भीड़ नज़र आ रही है। यहाँ से थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है हर की पैड़ी, हर की पैड़ी के दिव्य दर्शन कर लीजिए। कांवड़ ही कांवड़ नज़र आ रही है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, पास से भी आपको दर्शन कराएंगे। पहले ये गंगा जी की धारा देखिए, धनुष पुल से गंगा जी की धारा आगे की ओर बढ़ रही है। अगर आप भी हरिद्वार कांवड़ लेकर आना चाहते हैं और आपकी कांवड़ जो है यूनिक है, सबसे अलग है, या कुछ खास है आपके कांवड़ में, या कोई मैसेज है तो आप हमें कमेंट करें, आप हमें इंस्टाग्राम में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कांवड़ को इस चैनल में दिखा सकूं। जैसे ही शिव पुल ख़त्म हो जाएगा हर की पैड़ी के घाट शुरू हो जाते हैं। यहाँ से हर की पैड़ी की झलक दिखना शुरू हो जाती है। कांवड़ियों का जोश देखिए, उत्साह देखिए, और इस समय कह सकते हैं कि पूरे हरिद्वार नगरी जो है शिवमय हो चुकी है। हर जगह पर हर हर महादेव, जय शिव शंभु के जयकारे सुनाई देते हैं, बम बम भोले के जयकारे सुनाई देते हैं। इस तरफ देखिए ये है बड़ी धारा। यहाँ से आगे काफी भीड़ होगी। कैसा लग रहा है आपको दर्शन करके, आप लोग कमेंट जरूर करें, टाइम नोट कर लें और जिस टाइम आपको कांवड़ अच्छी लगती है उसी टाइम को भी लिखें और
बताएं कि ये वाली जो कांवड़ है आपको बहुत अच्छी लगी है। ये देखिए नाई घाट के सामने गंगा जी की लहरें देखिए कितना तेज आज नजर आ रही हैं। पतित पावनी माँ गंगे के दर्शन आप सभी हरिद्वार से कर रहे हैं। 24 जुलाई की ये वीडियो है, सावन का तीसरा दिन है। अब मैं आपको लेकर घंटाघर घाट की तरफ और ब्रह्मकुंड घाट की तरफ चलता हूँ। दर्शन करते जाइए और वीडियो को शेयर जरूर करें, खुद भी दर्शन करें और दूसरों को भी दर्शन कराएं। कहते हैं कि माँ गंगे के दर्शन करना और दोनों कराना, आप समझ सकते हैं उसका कितना पुण्य मिलता है। पर तो अभी कमेंट्री करना मुश्किल हो पाएगा, तो आप लोग दर्शन करने का फोकस करें, दर्शन करते जाइए। ये घंटाघर घाट है जहाँ के आप दर्शन कर रहे हैं और इस तरफ सामने की ओर ब्रह्मकुंड घाट है। सामने की ओर ब्रह्मकुंड घाट है। और जो हर की पैड़ी में कांवड़ देखते हैं, ये तो छोटी छोटी कांवड़ हैं, बड़ी कांवड़ लेकर हर की पैड़ी में लोग नहीं आ पाते हैं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ से चलना। तो लोग उसको जो है बड़ी कांवड़ को एक अलग साइड में ही तैयार करते हैं जहाँ पर पंतदीप पार्किंग है, और यहाँ से गंगा जल भर कर वहाँ ले जाते हैं और उसके बाद यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कांवड़ है बड़ी कांवड़ लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मालवी घाट पर मैं पहुंच चुका हूं। ये मालवी घाट है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी प्यारी प्यारी सी कांवड़ यहां पर नजर आ रही है। आइए एक बार फिर से हम आपको माँ गंगे के दर्शन कराते हैं मालवी घाट से। देखिए कचरा, देखिए पन्नियाँ, पुराने कपड़े, रैपर्स कितने ज़्यादा पड़े हैं, बहुत ख़राब लगता है। देखिए घाट के हाल देखिए आप लोग। दर्शन करते जाइए, हर हर महादेव लिखते जाएं आप लोग। कलश कांवड़ अब बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिलती है। पिछले 15 दिन से आप कलश कांवड़ की यात्रा देख रहे हैं।
जिससे जितना हो सकता है उतने लीटर गंगा जल भरकर यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करता है। देखिए पूरे घाटों में पन्नियाँ और पुराने कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं। सफाई की भी जाए तो कैसे की जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या होती है कांवड़ियों की। सफाई करते समय किसी की कांवड़ जो है वो टच ना हो जाए, इनका भी ख्याल रखना होता है। कांवड़ में गंगा जल भर कर पूजन करके तैयार किया जाता है, और किसी का पैर लग गया तो खंडित हो जाती है कांवड़। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सफाई कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ देखिए कितनी सारी कलश कांवड़ रखी है। अब मैं हाईवे की तरफ भी जाऊंगा, कोशिश रहेगी कि हाईवे की तरफ पहुंचकर आप लोगों को कुछ बड़ी कांवड़ दिखा सकूं। दोस्तों अगर आप ऐसे ही लगातार कांवड़ यात्रा की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पूरे कांवड़ यात्रा हम इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। आज की वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। ऐसे ही लगातार दर्शन करते रहिए। कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। जय गंगे माता, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ सभी लोग।